गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त हो। किस किसने पहचान लिया है कि दोस्तों ये कौन सी वाली रोड है, तो ये है गढ़ी कैंट वाली रोड दोस्तों, और मसूरी गंगोत्री यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों हम लोग तो यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं ना अभी, तो जगह का भी पता नहीं चलता है, और इनकी छुट्टी कम थी तो मैंने कहा मैं अकेले कहाँ होंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट के सुनीता जी लोग यहाँ रहते हैं, एक साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे गढ़ी कैंट में। हम लोग क्लेमेंट टाउन से आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ ना रूम्स भी ढूंढे थे हमारे लिए, लेकिन मिले नहीं क्योंकि पहले ही रिज़र्व हो जाते हैं ना रूम्स वगैरह, तो और हमको भी ना बड़ी मुश्किल से मिला था। तो सुनीता जी बना रही है पकौड़े और हमने यहाँ पे बहुत सारी खातिरदारी उनकी ली। अभी उनके हस्बैंड भी ड्यूटी पे हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है, जैसे कि रिश्ते छुट्टियाँ रखे हैं तो होता है ना मिलना। तो राजस्थान अलवर में हम साथ में रहते तो एक साल बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ। तो उसके बाद हम सीधे घर ही जाने वाले थे दोस्तों, लेकिन कभी कभी कश्मकश में ऐसे होता है कि जाएं ना जाएं, तो हम लोग ना वापस जाने वाले थे लेकिन हमने फिर गाड़ी मोड़ ली वापस से। और यहाँ पे दोस्तों तपकेश्वराय मंदिर बहुत ही प्यारा, सो बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत समय बाद मैं आ रही हूँ यहाँ, पहले आई थी तो भोले बाबा ने बोला चलो आशीर्वाद ले लो मेरा। रात को हम लोग पहली बार ऐसे आ रहे हैं और सिचुएशन ही ऐसी थी, और इस बार तो छुट्टियां सारी हमारी सामान को एडजस्ट करने में, अरेंजमेंट करने में लग गए, तो फिर इधर आना मुश्किल था। तो भोले बाबा ने बोला चलो आओ मेरा आशीर्वाद ले लो, सच में मैं तो मानती हूँ। तो यहाँ ना बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही थी रात को, एक तो ना भीड़ भी कम थी लेकिन भक्तगण आ रहे थे, दिखे मतलब हमारे जैसे, हम तो पहली बार आ रहे ऐसे रात को। तो मैंने ज़्यादा प्रसाद नहीं लिया, मैंने एक चुन्नी ली और एक फूल लिया और बस को लेके मैं अंदर चली गई। 6000 साल पुराना ये मंदिर, और इस मंदिर के अंदर है एक प्राकृतिक शिवलिंग जो आज खुली हुई थी, जिसमें मैंने सुना कोई कह रहा था तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो आज हमारा आना सिद्ध हुआ, कि मतलब हमको वहाँ जाने का मौका मिले। और हमारे सुख दुख के साथ ही सबके अपने अपने प्रभु होते हैं ना, वैसे तो सभी प्रभु की हम पूजा करते हैं, सभी समान हैं, समान रूप है, लेकिन कुछ होता है ना किसी भगवान जी से हमारा खास कनेक्शन होता है। तो मेरा ना भोले बाबा जी के साथ, जब मैं हाई स्कूल में नाइन्थ टेंथ में थी मैं, तो मैंने ना फास्ट लिए थे, तो भोले बाबा हर सोमवार के फास्ट में लेती थी, और अब तो इतना नहीं ले पाती हूँ मैं फास्ट वगैरह, लेकिन शिवरात्रि आती है तब लेती हूँ भोले बाबा जी का, और हर सोमवार को, मतलब ऐसे तो ध्यान में रहते हैं प्रभु। और उद्यापन मैंने करवा दिया था शादी से पहले, और यहाँ पे एक फ़नी बात हो रही थी, मैंने फूल डाल रही थी तो पन्नी में गिर रहा था, तो मैंने फिर हाथों में लिया, फिर समर्पित किया, बैल थे भगवान जी के प्यारे वाहन, तो उनके कान में मैंने कुछ विश बोली और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये प्यारा सा मंदिर आप भी देख रहे हैं, और मैं भी काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ, मैं पहले आई थी यहाँ, तो बहुत ही चेंज हो गया अब तो काफ़ी। और आजकल तो मंदिरों में जाओ तो इतनी भीड़ होती है, भगवान जी के सामने रोकने भी नहीं देते हैं, इतनी जल्दी जल्दी दर्शन करवाते हैं, तो मंदिर जाने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं लगता है। तो आज बड़े फुर्सत से, बड़े ध्यान से मैं देख रही थी मंदिर को, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी इसमें, और यहाँ पे ना सिक्का चिपका रहे थे, बजरंगबली जी की बड़ी सी मूर्ति थी ना यहाँ पे, तो बड़ी यहाँ पे मैंने चुन्नी बांधी और विश मांगी पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी और एक और चुन्नी बांधूँगी। और इस गुफा की ना बहुत मान्यता है, महाकाव्य महाभारत में पांडवों और कौरवों के शिक्षक द्रोणाचार्य जी यहाँ निवास करते थे, उन्हीं के नाम पे ना ये वाली जो गुफा है जहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है उसका नाम पड़ा द्रोण गुफा। तो ये है द्रोण गुफा, और यहाँ ना अंदर जाके अलग ही फीलिंग आ रही थी, और एक बाबा जी बैठे हुए थे जो मेरे बेटे से, कार्तिकेय से मजाक कर रहे थे, बहुत ही प्यार दुलार उन्होंने दिया हम सबको अच्छे से मिले, और ऐसे कह रहे थे कि यहाँ पे घड़ी भी लगी हुई थी और सब उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, तो कार्तिकेय से बोल रहे थे कि ये दुनिया तो ऐसी है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बड़ी शांति मिलती है, तो ऐसे कह रहे थे, वो तो मिलती है भगवान जी के पास बैठ के शांति मिलती है, जैसे कि हम लोगों को आज प्यारे से दर्शन हुए और मन खुश हो गया सच में। Thank you.
और जल्दी जल्दी में होता है ना कि कोई पार्ट रह जाता है, मतलब किसी जगह का, तो मंदिर का बताना दोस्तों जो घूमा होगा पूरा, कौन सा पार्ट हमारा रह गया। तो हमको जो जो नज़र आ रहा था, जहाँ जहाँ भक्त जा रहे थे, पहले तो हम वहाँ गए, फिर ये वाला एरिया देखा हम लोगों ने, फिर यहाँ गए हम लोग, बाकी तो और कोई नज़र नहीं आया। फिर हम लोगों को देर भी हो रही थी ना, तो बस यही जो आँखों के सामने दिख रहा था वहीं वहीं हम जा रहे थे। और वैसे भगवान जी के दर्शन तो हो ही गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या दर्शन होते। तो कुछ छूट भी किया होगा तो भगवान जी माफ़ करें। होप अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम हम दोनों फिर से आएंगे यहाँ, और ईश्वर ने चाहा तो जल और दूध चढ़ाएंगे भोले बाबा जी में। तो बस ये प्यारा सा व्यू एक बार फिर से। आई होप दोस्तों आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। बस सैंडल जूते हम लोगों ने पहने और ये लिफ्ट ली यहाँ पे से, 60 रुपये हम लोगों ने दिए। और लिफ्ट से बाहर आने पे दोस्तों ये वाला रास्ता ना निकलता है सीधे, एक बड़ा सा ग्राउंड आता है, वहाँ पे लगी है भोले बाबा जी की प्यारी सी तस्वीर जो रात को ना ऐसे चमक रही थी। तो वीडियो में तो इतना खास दिखाई नहीं देगा यहाँ, और मेरी तरह आप भी खुश होते हैं ना भगवान जी को कहीं पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे तो बड़े ही प्यारे बैठे हुए थे शांत तरीके से हमारे भोले बाबा जी। उसके बाद हम सीधे निकल गए दोस्तों घर के लिए। यहाँ पे है हमारा प्यारा देहरादून और हम जा रहे दोस्तों घर।